नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कमेंट्स आ रही हैं कि सर पेमेंट करते समय इनवैलिड रजिस्ट्रेशन आ रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रही है। और कमेंट्स आई हैं कि सर पेमेंट कट गई है बट फाइनल सबमिट नहीं कर पाए हैं, तो वो प्रोसेस कैसे पूरा करें। फ्रेंड्स, तो आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ बट मुझे ये देखने को मिल रहा है कि अधिकांश लोग वीडियो को देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग इस बात को सोचिए कि हम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से करके आपके लिए वीडियो बना पाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए जानते हैं बिना किसी देरी के कि फ़ीस कट गई है और इनवैलिड रजिस्ट्रेशन आ रहा है, तो ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगी। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है आपके लिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ गया, यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फी डिपोजिशन, ठीक है, फीस कट गई है या कट नहीं पाई है। उसके लिए आप एक बार इस एप्लीकेशन फी डिपोजिशन लिंक पर क्लिक करके आप अपना प्रोसेस पूरा करेंगे, ठीक है। यहाँ कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो सबसे बेस्ट कामयाबी जो आपको मिलने वाली है वो आप यहाँ देख सकते हैं, अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी डबल वेरिफिकेशन मोड। देखिए, यहाँ ये ऑप्शन जो है एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन, मान लीजिए जैसे कि कुछ कैंडिडेट बता रहे हैं कि फीस पेमेंट करते समय इनवैलिड रजिस्ट्रेशन बता रहा है, तो आप एप्लीकेशन फ़ी पर क्लिक करेंगे और दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके, कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है यहाँ पर, जब फर्स्ट टाइम आपने पैड का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और रजिस्ट्रेशन को अप्लाई किया था, उसके बाद जो नया नंबर रजिस्ट्रेशन जनरेट हुआ था एलडीए का, यूडीए का और सप्लाई इंस्पेक्टर का, वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो शायद 54 की सीरीज से स्टार्ट है, आपको कितने से स्टार्ट हुआ है ये तो आप ही को पता होगा, बट मेरा जो है 54 से स्टार्ट हुआ है नया रजिस्ट्रेशन नंबर यूडीए एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर का, ठीक है। तो वो नया रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ वो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फी डिपोजिशन पर डालना है। यदि आपकी फीस नहीं कटी है तो आप जब इस पर क्लिक करके अपना प्रोसेस पूरा करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर वो नंबर डालेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट करते हुए पूरा प्रोसेस कर देंगे और कैप्चा फिल करके प्रोसीड करेंगे, ठीक है। यदि फीस नहीं कटी है तो यहाँ पर जैसे ही आप ओके करेंगे, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा और मोबाइल नंबर वेरीफाई होते ही डिटेल ओपन हो जाती है और वहां पर आपको एक नया जो लिंक मिल जाता है पेमेंट करने के लिए, जिनकी पेमेंट नहीं कटी है। अब पेमेंट कट गई है, ठीक है, और इनवैलिड भी बता रहा है, हो नहीं पा रहा है पेमेंट, फाइनल सबमिट नहीं हो पाया है, तो उन सब के लिए आप यहाँ देख सकते हैं अपडेट और ट्रांजेक्शन आई डी डबल वेरीफिकेशन मोड। यहाँ सिंपली आपको क्लिक करना होता है और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, वही जो नया रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है उस नंबर को यहाँ पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद कैप्चा फिल करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो यहाँ ये लिंक जो है ओपन हो जाता है, एक न्यू पेज आता है, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पेमेंट ट्रांजेक्शन फेल्ड सक्सेस पेंडिंग डिटेल्स मेड अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, जो भी आपने पेमेंट ट्रांजेक्शन किया वो सारे यहाँ पर शो हो जाते हैं। अब कैसे मालूम करें कि सक्सेस है कि अनसक्सेसफुल है, और जो प्रिंट करते समय इनवैलिड बता रहा है प्रिंट नहीं हो रहा है, जिन लोगों का फीस कटने के बावजूद भी डाउनलोड पर जब क्लिक करते हैं प्रिंट पर तो वहाँ पर इनवैलिड बता रहा है, तो वो सब समस्याओं का समाधान कैसे होगा। यहाँ देखिए, ये आप यहाँ देख रहे हैं सक्सेस, तो ये तो साफ क्लियर दिख रहा है कि ये जो ट्रांजेक्शन है सक्सेस है, बट प्रिंट जब डाउनलोड कर रहे हैं तो इनवैलिड बता रहा है या पेमेंट कर रहे हैं तो इनवैलिड बता रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों का इनवैलिड बता रहा है पेमेंट करते समय पेमेंट नहीं हो पा रही, तो वो तो एप्लीकेशन फी डिपोजिशन लिंक पर जाएंगे, वहाँ से अपना पेमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेमेंट हुआ नहीं है तो वहाँ लिंक आपको अवेलेबल मिले, वहाँ से पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से अगर दिक्कत आ रही है तो आप इस लिंक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये लिंक उन लोगों के लिए है जिनकी फ़ीस कट चुकी है और प्रिंट कर रहे हैं तो इनवैलिड बता रहा है और फीस वेरीफाई नहीं हो पाई है, तो फाइनल प्रिंट कैसे करें वो इस चीज़ को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर जो सक्सेस है वो तो सक्सेस है, तो अब उसके लिए करना क्या है, प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा। सबसे पहले आपको ये जो प्रिंट का एक्शन वो दिख रहा है आइकन, यहाँ पर क्लिक करना होता, कब करना होता, जब यहाँ पर जो है सक्सेस लिखा होता है, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए सक्सेस नहीं लिखा है और दो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब यहाँ देखिए वेरीफाई ट्रांजेक्शन आईडी, तो ये जो फेल्ड हुआ है ट्रांजेक्शन, यहाँ देखिए ये जो ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है ये उन लोगों के लिए है ये चीज़, ठीक है, फेल्ड वालों के लिए, ठीक है। और फीस कट गई है, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया, अब उसे वेरीफाई कैसे करें। जिनका कट गया सक्सेस है वो तो यहाँ पर दिख ही रहा है, तो वो तो यहाँ से प्रिंट करके नेक्स्ट करते हुए
प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करके एक पेज खुल जाएगा, उसका नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, फिर उसके बाद डाउनलोड फाइनल सबमिशन होगा, फिर डाउनलोड के लिए प्रिंट के लिए ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद फाइनल प्रिंटर निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब जिन लोगों की फीस कट गई या सक्सेस नहीं दिख रहा, वो वेरीफाई ट्रांजेक्शन कैसे करें, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना होता है और एक पेज आपके सामने ओपन हो जाता है वेरीफाई ट्रांजेक्शन पर क्लिक करते ही। अब जो है हमें जैसे ही हम वेरीफाई ट्रांजेक्शन आईडी पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सक्सेस कम्प्लीटली सक्सेसफुली लिखा हुआ है, बट आपके में अगर यहाँ फेल्ड लिखा हुआ है, अनसक्सेसफुल लिखा हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। पेमेंट कट गया है और अनसक्सेसफुल आ रहा है इस जगह पर, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, यहाँ देख सकते हैं वेरीफाई ट्रांजेक्शन डिटेल, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है वेरीफाई ट्रांजेक्शन डिटेल्स। तो जैसे ही क्लिक करते हैं वेरीफाई ट्रांजेक्शन पर, यहाँ देखिए यू हैव ऑलरेडी डिपॉजिट फी अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ आपके ट्रांजेक्शन आईडी से हो जाती है। ठीक है, और सबमिट योर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप दोबारा फीस नहीं काट सकते, या प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना होता है। और फिर भी सक्सेसफुल नहीं होता, अनसक्सेसफुल होकर रह गया है, तो दो दिन वेट कर लीजिए। ठीक है, वैसे ज़्यादातर हो जाता है। इस प्रकार आप यहाँ पर प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन पर क्लिक कर अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेंगे, फाइनल हो जाएगा, इनवैलिड नहीं बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप दूसरा तरीका आपको बताते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं प्रोसीड जैसे ही करते हैं, तो प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, अब आप क्लिक करेंगे तो ना ही इनवैलिड बोलेगा, ना ही कोई दिक्कत आएगी, आपका जो है ओरिजिनल फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड हो जाता है। मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर आपको जो है प्रिंट कैसे करना होता है और ट्रांजेक्शन कैसे सक्सेसफुल करना होता है। वैसे तो ज़्यादातर वेरीफाई ट्रांजेक्शन आईडी के माध्यम से जो प्रोसेस होता है, मैंने आपको बता ही दिया है आपको, और इन प्रिंटों का क्या काम है ये बता दें आपको। जैसे यहाँ ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और सक्सेसफुल होने के बावजूद भी अगर आप इस पर करेंगे तब भी वही प्रोसेस होगा, इस पर भी तब भी वही प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये सक्सेस वाले कॉलम को हम आपको बताते हैं प्रिंट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद क्या प्रोसेस होता है। जैसे ही प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, यहाँ ट्रांजेक्शन स्टेटस निकल कर आ जाता है, यहाँ सक्सेस निकल कर आ रहा है, देखिए क्योंकि पेमेंट सक्सेस है, और जो सक्सेस नहीं होती है उस पर वेरीफाई ट्रांजेक्शन आईडी वाला ऑप्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे वेरीफाई करना होता है, प्रिंट तक फाइनल प्रिंट तक कैसे निकालना है। उसके बाद आप देख सकते हैं जिनका सक्सेस है, प्रिंट नहीं हो पा रही है, किसी प्रकार की समस्या, तो प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करना होता है, और आपको इस नेक्स्ट जैसे करते हैं तो ये ट्रांजेक्शन स्टेटस निकल कर आता है। उसके बाद हम देख सकते हैं प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप, इस पर क्लिक करना है, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने वही जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था वेरीफाई ट्रांजेक्शन आईडी के माध्यम से, अब मैंने जो प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करके जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बताया है, पहुंचना वही है आपको। ठीक है, पहुंचना कहां पर है, यहां पर प्रोसीड टू फाइनल एंड प्रिंट डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो जिन लोगों की फ़ीस कट गई है, अपडेट नहीं हुई है, तो मैंने बता दिया कि डबल अपडेट वेरीफिकेशन मोड पर जाकर उसका प्रोसेस भी इस वीडियो में बता दिया है, किस प्रकार से आपको जो है प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करना है। फीस भी वेरीफाई हो जाती है और प्रिंट में भी एरर और इनवैलिड नहीं बताता है। यदि फिर भी कोई समस्या लग रही है आपको, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जैसे ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है, फीस कट गई है, इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रही है, पेमेंट हो गई है, तो फाइनल प्रिंट कैसे निकालें, ये सारे प्रोसेस वीडियो के अंदर बता दिए गए हैं। कोई समस्या लग रही है तो कमेंट अवश्य करें, तत्काल आपको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आया है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कोई ना कोई आपसे लेटेस्ट अपडेट छूट जाएगी। फ्रेंड्स, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार।